हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और मस्ती की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 इनसेन और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट बाइक के बारे में। तो आराम से बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुल मून, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, क्या इस मशीन को एलियन ने बनाया है? इसे स्लोवेनियन एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चरर एक्रोपोविक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। उन्होंने इस न्यू कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल को अनवील किया, जिसका नाम है फुल मून। इसके 30 इंच के एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर फ्रंट व्हील की वजह से ये बाइक फुल मून जैसी दिखती है। ट्विन एग्जॉस्ट सीधा सीट मेटल बॉडी पर लगाए गए हैं, तो आप पूरी मोटरसाइकिल को एक पूरा एग्जॉस्ट समझ सकते हैं। ये बाइक सेरामिक ब्रेक, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ आती है, जिससे ये फ्रेम पर ही रेस्ट कर सकती है और इसे किक स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें SNS का फुल एक्सपोज 1542 cc का इंजन भी लगा है। ज़ेको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को डिजाइन किया है जापानीज इंजीनियर और डिजाइनर कोटा नेजू ने। इसका स्टैटिक कमाल का है, एक बार चार्ज करने पर 136 किलोमीटर तक चल सकती है। हालांकि इसका वजन 280 किलो है, फिर भी यह बाइक 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। इसकी बैटरी स्लिक नोस कॉन के नीचे छुपी है और इसे फुल चार्ज होने में 6 घंटे लगते हैं। तो क्या आप ये बाइक को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि इसकी कीमत है 50 लाख रुपये। लार्जरेथ LM847। इस लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल LM847 को मैन्युफैक्चर किया है फ्रेंच कंपनी लार्जरेथ ने। इस फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल में 4.7 लीटर का मासेरेथ V8 इंजन है। LM847 7000 RPM पर 470 का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 4750 RPM पर 457 का टॉर्क। कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इसके बारे में सोचिए। 470 का हॉर्स पावर एक बाइक में जिसका वजन है 400 किलो, ये बेसिकली एक इंजन है जिस पर सीट लगी हुई है और 17 इंच के व्हील इसमें अटैच हैं। ये मशीन 2.6 मीटर लंबी, 36 इंच चौड़ी और 1 मीटर ऊंची भी है। लार्जरेथ कंपनी प्रॉमिस करती है कि ये बाइक 0 to 156 कुछ सेकंड में पहुंच सकती है। इसमें एक स्पेशल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है जो इसे मोड़ पर झुकने में मदद करता है। इस बीस्ट मशीन को रोकने के लिए 8 पिस्टन ब्रेक है जो ABS सिस्टम से काम करते हैं। और फाइनली ये फुल्ली फंक्शनल और कुछ कंट्री में लीगल भी है और उसका प्राइस है लगभग 1.5 करोड़ रुपीस, जो इस दुनिया की स्पेशल मशीन के लिए बहुत कम लगती है। डॉच टोमाहॉक 8.3। डॉच टोमाहॉक एक नॉन स्ट्रीट लीगल कॉन्सेप्ट व्हीकल है, जिसे इंट्रोड्यूस किया है कंपनी डॉच ने नॉर्थ अमेरिका इंटरनेशनल ऑटो शो 2003 में। टोमाहॉक 8.3 में लार्ज कैपेसिटी 10 सिलेंडर 8.3 लीटर SRT इंजन है और ये बाइक 0 to 150 सिर्फ 2.1 सेकंड में कवर करती है। डॉच टोमाहॉक देखने में बहुत ही खूबसूरत और इसकी स्पीड को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बाइक की टॉप स्पीड है 675 किलोमीटर पर आवर। बदकिस्मती से आप इसे खरीद नहीं सकते इसकी कीमत की वजह से, जो है लगभग 4 करोड़ रुपीस। यामाहा मोटोरॉयड इस ऑटोनॉमस AI मशीन को डेवलप किया है जानी मानी जापानीज कंपनी यामाहा ने। प्रोजेक्ट यामाहा मोटोरॉयड को हाल ही में ऑटो एक्सपो 2018 में शोकेस किया गया था। यह मोटरसाइकिल कम और फ्यूचरिस्टिक मल्टी टैलेंटेड मशीन ज्यादा लगती है। मोटोरॉयड पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और अपने आप चलती भी है बिना टक्कर खाए। कुछ देखने वाली टेक्नोलॉजी जो यामाहा मोटोरॉयड में है वो है सेल्फ बैलेंसिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन और जेस्टर अंडरस्टैंडिंग। ये अपने ओनर के फेस को डिटेक्ट करके स्टार्ट होती है हैंड मूवमेंट को समझते हुए। ये लंबाई में 2 मीटर और ऊंचाई में 1 मीटर है। इसके अलावा स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल से स्लिम है। इसकी चौड़ाई है 23.2 इंचेस।
बैकरेस्ट स्टाइल रेयर सेंसर राइडर को एक हैप्टिक फीडबैक देते हैं और मशीन और राइडर में बेहतर रिलेशन बनाते हैं, इसीलिए ये एकदम यूनिक है। इसका वजन है 213 किलो और इसमें सिर्फ एक ही सीट है। सुजुकी बाइप्लेन। सुजुकी ने अपनी कॉन्सेप्ट बाइक बाइप्लेन को रिवील किया टोक्यो मोटर शो 2009 में। इसके नाम की इंस्पिरेशन मिलती है प्लेन एविएशन के शुरुआती दिनों से। इस बाइक का डिजाइन इस तरह किया गया है कि राइडर को उड़ने की फीलिंग आती है जमीन पर रहते हुए भी। इसमें V4 इंजन लगा हुआ है एग्जॉस्ट के साथ पीछे की तरफ सीट के नीचे, जो एक प्लेन की डिजाइन की तरह है। साथ ही ये बाइक 85.3 इंच लंबी, 25 इंच चौड़ी और 35 इंच ऊंची है। इस बाइक को कोई नहीं रोक सकता सिवाय इसके आगे और पीछे लगे हुए रिम माउंटेड डिस्क ब्रेक के। आप सोच रहे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट पैनल कहाँ है, वो टैंक के सरफेस के बिल्कुल ऊपर है। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बाइक है और इसे कमर्शियलाइज करने का अभी कोई प्लान नहीं है। वॉक्सन वॉटमैन। पेश करते हैं वॉक्सन वॉटमैन। कितना अजीब नाम है। खैर, पहले इसे पेरिस मोटर शो में प्रेजेंट किया गया था। ये दुनिया की सबसे तेज और पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक में से एक है। ये बाइक पोर्श 911 से ज्यादा तेज है और डुकाटी पेनिंगल से ज्यादा पावरफुल है। 200 हॉर्स पावर की पूरी ताकत के साथ 350 किलो की ये बाइक 0 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 5.9 सेकंड में कवर करती है और उसकी टॉप स्पीड है 170 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्टाइलिंग बेस है एक स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट स्केलेटन पर। इसकी बैटरी की टोटल कैपेसिटी है 12.8 किलोवाट, जो सिर्फ 30 मिनट में फुल चार्ज की जा सकती है। और ये मशीन अभी रोड पर चलने की तैयारी कर रही है। BMW अल्फा। ये कस्टम मेड BMW अल्फा बुलेट बाइक देखने में लाजवाब है। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था 3 इंडिविजुअल ने, एक ओल्ड स्कूल मैकेनिक, एक उटाका मोटरसाइकिल बिल्डर और एक स्टैंड गोल से इंडस्ट्रियल हाईटेक डिजाइनर। आइडिया आया था टर्की डिजाइनर मोहम्मद दारुक आदम को। BMW अल्फा का डिजाइन ग्रेट वाइट शार्क की एनाटॉमी और साइकोलॉजी से इंस्पायर है। और बेशक ये बाइक फ्यूचरिस्टिक बाइक की एक झलक है। BMW अल्फा में ओल्ड K75 का 740cc 3 सिलेंडर BMW इंजन है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और कूल बाइक है। मैं तो यही कहूँगा, मुझे ये बाइक बहुत पसंद है। मोटोरोड कॉन्सेप्ट लिंक। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बाइक एक वेल नोन जर्मन कंपनी BMW की क्रिएशन है। मोटोरोड कॉन्सेप्ट लिंक ड्राइवर और उसकी ज़रूरत पर फोकस करते हैं। एडिशनली फंक्शनैलिटी और लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी का शुक्रिया। ये बाइक एक बेहतरीन कम्युनिकेशन डिवाइस भी है। कॉन्सेप्ट लिंक एक फुल्ली इलेक्ट्रिक बाइक है। इसके पावर हाउस में बहुत फ्लैट और कॉम्पैक्ट बैटरीज हैं, जो इसके पीछे के टायर ड्राइव सेक्शन में हैं। ये बाइक मॉडर्न अर्बन मोबिलिटी देती है और रैपिड एक्सीलरेशन और एफर्टलेस कंट्रोल से कैरेक्टराइज होती है। साथ ही इसमें एक रिवर्स सिस्टम भी है, जो चाल ढाल को सिंप्लीफाई भी करता है और क्लोजर सिटी स्ट्रीट में पार्क करने के लिए हेल्प भी करता है। होंडा राइडिंग असिस्ट। होंडा ने राइडिंग असिस्ट टेक्नोलॉजी को लास वेगास में CES में शो किया था। मोस्ट सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी गायरोस्कोप का यूज करती है, लेकिन बहुत वेट ऐड कर देती है, जो कि मोटरसाइकिल की हरकत करने की एबिलिटी को घटा देती है। होंडा राइडिंग असिस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो मोटरसाइकिल को अपने आप स्लो स्पीड पर बैलेंस करने में मदद करती है बिना गायरोस्कोप के। इसमें मोटरसाइकिल के फ्रंट फॉक्स को रेकआउट करके और फ्रंट व्हील को आगे पीछे करके बैलेंस हासिल किया जाता है, उसी तरह जैसे साइकिलिस्ट अपना बैलेंस खुद ही बनाते हैं बहुत स्लो स्पीड पर। ये मोटरसाइकिल बिना ह्यूमंस के चल सकती है बिल्कुल असीम रोबोट की तरह। ये बाइक लोगों को और अपने ओनर को फॉलो करती है। ये बिल्कुल एक इमोशनल घोड़े की तरह, जो मूवीज में अपने मालिक के पीछे पीछे रहते हैं। तो दोस्तों, कौन सी फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।